हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू नाउस एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे डेराइव करते हैं, आज हम इस लेक्चर में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आप समझिए कि जो हमारे ग्राफ होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। बस शॉर्ट इंट्रोडक्शन ग्राफ का देता हूँ मैं। देखिए, दो तरीके के ग्राफ होता है, एक होता है एसटी ग्राफ और एक होता है वीटी ग्राफ। ठीक है, एसटी ग्राफ होता है उसका अगर स्लोप बनता है तो वो हमें देता है स्पीड। ठीक है, और अगर वीटी ग्राफ बनता है, इसका स्लोप बनता है तो इसका स्लोप हमें देता है एक्सीलरेशन। क्या देता है? ठीक है, ये हमें एक्सीलरेशन देता है। अब इसमें तो कुछ खास लॉजिक नहीं है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस ग्राफ को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को डेराइव करेंगे और यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से ग्राफ हमें हेल्प करता है ड्राइव करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप समझने लायक है कि वीटी ग्राफ जो होता है, ये पार्ट हमारा वी होता है वेलोसिटी का, ये जो एक्सिस होती है हमारी टाइम एक्सिस होता है, और वीटी ग्राफ में टाइम एक्सिस के साथ जो भी स्लोप फॉर्म करता है, सपोज करें कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम 10 सेकेंड पे, अब यहाँ पे हम लेते हैं 2, यहाँ पे 4, 6, 8 और यहाँ पे 10। टाइम 10 सेकेंड पे, ठीक है, 4 से 10 सेकेंड के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखिए, समझिए, वी टी ग्राफ है, हमें इससे एक्सेलरेशन मिल रहा है, वेलोसिटी पता है, टाइम पता है। हमारे पास किसी भी ग्राफ में क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? किसी भी ग्राफ में हमारे पास या तो स्पीड होगा, सॉरी डिस्टेंस होगा, या फिर हमें चाहिए क्या, स्पीड, इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हो आप, ठीक है, या फिर चाहिए एक्सीलरेशन। ठीक है, सो बेसिकली डिस्टेंस चाहिए, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और फिर क्या और चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट। सो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और लास्ट हमारा टाइम। सो किसी भी ग्राफ के थ्रू हम इन सभी पैरामीटर्स को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ पोजीशन टाइम ग्राफ की, एसटी ग्राफ की, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे हमारा टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से हमें स्पीड मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी की हेल्प से और टाइम की हेल्प से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। सो इस ग्राफ से भी हम सारी पैरामीटर्स को फाइंड कर सकते हैं। इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है ग्राफ में, और हमें टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर फाइंड करना हो क्या, डिस्टेंस, जो कि इस ग्राफ में कहीं मेंशन नहीं है, सो उसको कैसे फाइंड करेंगे? सो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, जिस पॉइंट से, सपोज करिए कि एक पॉइंट ए है, यहाँ से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होकर पॉइंट बी तक पहुँचा है, सो ए से बी तक ऑब्जेक्ट हमारा अपनी वेलोसिटी को चेंज किया है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, मान लेते हैं वी वन, यहाँ वेलोसिटी कुछ और होगी, मान लेते हैं वी टू। सो वी वन वी टू, और यहाँ पे टाइम हमारा सपोज करते हैं टी वन, और यहाँ पे टाइम क्या है हमारा टी टू। ठीक है, सो टी वन टी टू बी वन बी टू को अगर हम चेंज करें, फाइंड करें, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड नहीं करना, हमें समझना है कि हम इस ग्राफ से डिस्टेंस को कैसे फाइंड करें। सो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए सबसे बेसिक सा कंसेप्ट क्या होता है कि इस ग्राफ, जो ग्राफ हमारा है, जहाँ से पॉइंट शिफ्ट, जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करके जहाँ तक पहुँचा है, वहाँ के और एक्स एक्सिस के साथ जो टाइम है, टाइम का ग्राफ का जो स्लोप है उसका एरिया फाइंड कर लो। मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया है, सो ये इसका स्लोप और टाइम एक्सिस के बीच का जो ग्राफ एरिया है, इसका जो एरिया निकलेगा, ये एरिया हमारा क्या बताएगा, ये एरिया हमें बताएगा क्या, डिस्टेंस को। ठीक है, सो कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एरिया फाइंड करके, और कौन सा, जहां से जहां तक हमें पूछेगा,
अगर ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है, सो ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने यहाँ पे इसका जो एरिया बनेगा स्लोप के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, उससे हम फाइंड कर सकते हैं क्या डिस्टेंस एरिया के थ्रू। ठीक है, सो ये बेसिक कंसेप्ट समझिए, क्योंकि इसके बाद हम जो टॉपिक करने वाले हैं उनमें इन टॉपिक का बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा रोल है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो अभी हम करने वाले हैं क्या, डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन में पहला पार्ट हम कौन सा लेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। अब देखिए इन सभी कंसेप्ट्स को समझने से पहले समझ लीजिए, वी जो हमारा होता है, यू जो हमारा होता है, ए जो हमारा होता है, और टी जो हमारा होता है, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं क्या, प्रूफ या डेराइव। ठीक है, प्रूफ करने जा रहे हैं इन सभी डेरिवेशंस को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, सो बेसिकली डेरिवेशन विद ग्राफ करने जा रहे हैं हम। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम रिलेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है, इसमें वी जो हमारी होती है डेट इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, U हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, A हमारा क्या होता है एक्सेलरेशन, T हमारा होता है टाइम। चलिए समझते इसको। टाइम, ठीक है, सो ये हमारे पैरामीटर्स हैं, इनको समझ लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन के लिए इसका कंसेप्ट। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अगर हमें इसको डिराइव करना है, सो वी और टाइम का रिलेशन है वेलोसिटी टाइम का, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ भी लेना पड़ेगा हमें, तो ले लेते हैं। देखिए ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है, ऐसे मूव करेगा, और ये हमारी क्या हो गई वेलोसिटी। ठीक है, ये वी हो गया, ये ओ हो गया। अब क्या होता है कि हम इसमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे वो लेंगे उस ऑब्जेक्ट का जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो। मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट ने पहले कुछ किसी और वेलोसिटी से मूव किया हो, बाद में वेलोसिटी चेंज करके कोई और वेलोसिटी गेन कर लिया हो। बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जांपल लेंगे, बट जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो हम उसका एग्जांपल लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ तक आता है, सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से मूव करके यहाँ तक आता है। ठीक है, और फिर यहाँ से अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है और एक्सेलरेट होकर यहाँ तक पहुँचता है। सो हम कुछ नेमिंग करते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा, इसको रखते हैं बी, इसको सी और इसको डी। यहाँ से यहाँ का टाइम हमारा टी हो जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम हमारा टी है, सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक जिस वेलोसिटी से गया है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, सो दिस इज यू। ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचा है, ये कौन सी वेलोसिटी होती है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, सो दिस इज वी। ठीक है, एंड दिस इज द एक्सीलरेशन, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ से गया है, ये हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको एक और पॉइंट नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया ई, इसको इससे मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बन के, जितने भी हम ग्राफ को प्रूफ करेंगे उन सभी में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही लेंगे,
यही ग्राफ लेंगे। तो ये कॉमन है, सो आप इसको सही से लर्न कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं, देखिए ओ डी और ए सी दोनों बराबर है, ये टी है तो ये भी टी बन जाएगा यहाँ पे। सो बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि ओ डी इज इक्वल्स टू ओ डेट इज इक्वल्स टू टी लिखा जा सकता है। देखिए ओ डी ए सी के बराबर है, अगर इसको रेक्टेंगल मारे तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, दोनों टी के बराबर है। अगर मैं बोलूँ ओ ए और डी सी या सी डी, ओ ए इज इक्वल टू सी डी, ये किसके बराबर है, यू के बराबर हो जाएंगे हमारे। ओ ए हमारा यू है तो यहाँ से यहाँ भी यू हो जाएगा, ये भी ठीक है। चलिए अब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ बी डी, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी डी बी डी, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों को मैंने सम कर दिया, पार्ट वन पार्ट टू पूरा बराबर हो गया, मतलब कि बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस में सी डी, और थोड़ा बी को हम अच्छे से लिख लेते हैं ठीक है। सो बी सी प्लस में सी डी इज इक्वल टू बी डी, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ बी डी जो हमारी है यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है, वी के बराबर है, मैंने यहाँ वी लिख दिया। बी सी हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि बी सी जो है हमारा ए से यहाँ तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, हमें फाइंड करना पड़ेगा कितना है। अगर बोलूँ मैं सी डी, सी डी ये हमारा यू के बराबर है, सो बेसिकली बी सी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं वी माइनस यू, ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करिए। अभी हमें क्या प्रूफ करना है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सो हमें पता है ए इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्सीलरेशन ठीक है, ए इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन होता है, और ये क्या क्या डेफिनेशन होता है इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। सो अगर मैं ए की बात करूं, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। बी डी ये पूरा फाइनल वेलोसिटी है और सी डी हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, सो बी सी हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। सो फाइनली बी सी अपॉन में इनके बीच का टाइम कितना हो जाएगा, इनके बीच का टाइम हमारा टी, ऑब्वियसली हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम टी, सो ये हो गया। रेट की बात करें तो टाइम से डिवाइड वैसे ही करेंगे, इसको यहाँ लेकर आए अगर, सो बेसिकली ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हमारा किसके बराबर है, वी माइनस यू अपॉन में टी। अगर इस चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसको यहाँ लेकर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, सो फाइनली ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। सो वेलोसिटी टाइम रिलेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज प्रूव्ड ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट प्रूफ हो गया ठीक है। ये हैं ग्राफ की हेल्प से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कैसे हम प्रूफ करेंगे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। तो चलिए, हमने इस कंसेप्ट को पहले भी समझा हुआ है कि ये हमारा ग्राफ है उस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियली जिसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, पहले जीरो से कुछ वेलोसिटी तक जाता है यू, फिर वहाँ से अपनी वेलोसिटी चेंज करता है और ये पूरा बी टी ग्राफ फॉर्म करता है। सो इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हम प्रूफ करेंगे किसको, एस इज इक्वल टू प्लस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे पता है, प्रूफ करना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी कभी हमें किसी रिलेशन में, जब भी कभी हमें किसी ग्राफ में अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो हम उस ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे एरिया फाइंड करना है क्या, टी जीरो से टी टी तक। सो s इज इक्वल्स टू व्हाट, तो ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस
ऑफ वीटी ग्राफ इन टाइम 0 टू टाइम टी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ग्राफ विद स्लोप एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने एक चीज़ को समझा हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ वी टी ग्राफ इन टाइम टी 0 टू टाइम टी इज इक्वल्स टू टी जो होगा ये बराबर होगा किसका, एरिया ऑफ ग्राफ विद स्लोप एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और ग्राफ का जो स्लोप है इनके बीच का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या है, हमारे पास दो पार्ट है, एक पार्ट वन ले लेते हैं ट्रायंगल को और पार्ट टू ले लेते हैं किसको, रेक्टेंगल को, दोनों को प्लस कर देंगे। सो बेसिकली लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सी बी या फिर ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी ओ। ठीक है, सो हमें पता है एरिया ऑफ ए बी सी क्या होता है, ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इज इक्वल एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट प्लस में इसका क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। बेसिकली हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू में हाइट, और जो हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यहाँ पे हम इसको प्रूफ करते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बी इंटू में टी, बी क्या होती है हमारा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा हमारा ए सी टाइम है, सो टाइम मल्टीप्लाई हाइट कितनी हमारी यहाँ से बी सी हाइट हो गई हमारी। सो बी सी जो हमारा है वो बराबर किसके है, हम यहाँ लिख देते हैं बी सी। ठीक है, और BC पता है हमें किसके बराबर है, V माइनस यू के बराबर है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्या V माइनस यू। अच्छा एक चीज़ और भी है, हम भी आपने प्रूफ किया था थोड़ा टाइम पहले कि V माइनस यू इज इक्वल्स टू AT होता है। ठीक है, सो V माइनस यू बराबर किसके हो जाएगा AT के, सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे AT प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है हमारी इसकी T इंटू में B कितना है हमारा U, तो हमने U ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे सो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, इसको सिंप्लीफाई करें और सिंपल मैनर में लिखें तो क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द प्रूफ फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन दैट इज इक्वल टू S यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, टू टी, ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर, नहीं इसको प्रूफ कर लिया, अब हम इसी में प्रूफ करते हैं एक लास्ट टॉपिक जिसमें डिस्कस करेंगे कि पोजीशन और वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है। चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। तो देखिए यहां पे अभी हम समझने वाले हैं पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन, और जिसमें हम प्रूफ करेंगे क्या, इसमें प्रूफ करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू टू ए एस। ठीक है, हम इस चीज को प्रूफ करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा प्रूफ हमारा, यहां पे प्रूफ हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू टू ए एस। और देखिए यहां पर भी इसको प्रूफ करने के लिए हमें S मतलब कि डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा, और डिस्टेंस को फाइंड करने का सेम लॉजिक रहेगा हमारा इसी तरीके से। तो यहां पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस फाइंड करने का क्या तरीका होता है हमारा, हमें पता है कि जो भी हमारा स्लोप है एक्स एक्सिस के साथ में जो स्लोप है उसका एरिया फाइंड करेंगे और वो हमारा डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। इस बार एरिया हम एक ही तरीके की बार में निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये बना हुआ है पूरा, ये जिस शेप में है वो शेप हमारा ट्रापीजियम का होता है। सो बेसिकली हम ट्रापीजियम का एरिया फाइंड करेंगे और हमारा पूरा का पूरा ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी डी और O, ठीक है। ए बी डी ओ हमारा ट्रापीजियम का है, सो बेसिकली लिख सकते हैं कि S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए बी डी ओ। अब S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होता है, ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स और मल्टीप्लाई हाइट बिटवीन देम। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास एक ट्रापीजियम इस तरीके का बना है, तरीके का ट्रापीजियम बना है, तो जो दो साइडें आपस में पैरेलल हैं उनके बीच का, जैसे ये साइड आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो क्या लिखा है, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, जो ऑपोजिट साइड्स है हमारे इन दोनों का सम, ठीक है, इसका और इसका सम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, एक्चुअली सम ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड्स, जो साइड से पैरेलल होती है उन दोनों का सम और इनटू में दोनों के बीच की हाइट कितनी है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें फाइंड करना है हाफ मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड जो पैरेलल है इस वाले ग्राफ में, एक तो ये वाली साइड पैरेलल है और एक ये वाली, ये u है और ये v है, सो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, u प्लस v, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हाइट, इन दोनों के बीच में हाइट कितना है t का, t का डिफरेंस है, सो यहाँ पर लिख देते हैं t। अब देखिए t जो है हमारा, ये t किसके बराबर होता है, अगर मैं लिखूं v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, सो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपोन में a, सो पूरा का पूरा ये जो हमारा t है v माइनस यू अपोन a के इक्वल है। इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे v माइनस यू अपोन में a डेट इज इक्वल्स टू t, ठीक है। सो बेसिकली s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई u प्लस वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपोन में t, ठीक है, सॉरी a। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि s इज इक्वल्स टू वन बाई टू ए एन v प्लस यू एन v माइनस यू, यू प्लस वी, वी प्लस यू कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, और वी माइनस यू अपॉन में ए, एक वाट यहाँ पे ले आए, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो क्या बन जाएंगे, टू ए एस डेट इज इक्वल टू यू प्लस वी, वी प्लस यू, वी माइनस यू। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सिमिलरली इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे, v प्लस यू वी माइनस यू, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे प्रूफ कर दिया, दिस इज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, ये पोजिशन होता है वेलोसिटी होता है, इनका रिलेशन आ गया। और इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस को हमने डेराइव कर लिया और समझ लिया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगर आप कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अगर आपको लगता है अगर यूज़फुल है तो आप खुद भी पढ़िए और दूसरों में भी शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।